सौम्य प्रदोष व्रत कथा। पूर्व काल में एक ब्राह्मणी अपने पति की मृत्यु के पश्चात निराधार होकर भिक्षा मांगने लग गई। वह प्रातः होते ही अपने पुत्र को साथ लेकर बाहर निकल जाती और संध्या होने पर घर वापस लौटती। एक समय उसको विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जिसके पिता को शत्रुओं ने मारकर उसको राज्य से बाहर निकाल दिया था। इस कारण वह मारा मारा फिरता था। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले गई और उसका पालन पोषण करने लगी। एक दिन उन दोनों बालकों ने वन में खेलते खेलते गंधर्व कन्याओं को देखा। ब्राह्मण का बालक तो अपने घर आ गया, परंतु राजकुमार साथ नहीं आया, क्योंकि वह अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगा था। दूसरे दिन वह फिर अपने घर से आया, वहां पर अंशुमती अपने माता पिता के साथ बैठी थी। उधर ब्राह्मणी ऋषियों की आज्ञा से प्रदोष का व्रत करती थी। कुछ दिन पश्चात अंशुमती के माता पिता ने राजकुमार से कहा कि तुम विदर्भ देश के राजकुमार धर्मगुप्त हो, हम श्री शंकर जी की आज्ञा से अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह तुम्हारे साथ कर देते हैं। फिर राजकुमार का विवाह अंशुमती के साथ हो गया। बाद में राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ देश पर अधिकार कर लिया और ब्राह्मण के पुत्र को अपना मंत्री बना लिया। यथार्थ में यह सब उस ब्राह्मण के सौम्य प्रदोष व्रत करने का फल था। बस उसी समय से यह प्रदोष व्रत संसार में प्रतिष्ठित हुआ। इति श्री सौम्य प्रदोष व्रत कथा। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय।